अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लेकिन आप हजरात की मोहब्बत और अहबाब का इसरार मुझे मजबूर कर रहा है कि कुछ बातें जरूर आपके सामने रख दूं। मैंने इस नशस्त में आयत अल कुर्सी की एक सरसरी तफसीर करने का इरादा किया है। सबसे पहले आयतल कुर्सी की फजीलत के ताल्लुक से जो बात हदीस पाक में आई है वो पहले से मात फरमा लें। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताब व फज़ाइल कुरान में आयतल कुर्सी के ताल्लुक से हज़रत उबैद इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत इस तरह लाए हैं। वान उबैद इब्न काब अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबल मुंदिर अय्यु आयतिम मिन किताबिल्लाहि माअका आज़म क़ाल क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम क़ाल अतद्री अय्यु आयतिम मिन किताबिल्लाहि माअका आज़म क़ाल क़ुल्तु अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम क़ाल फ़ज़रब फ़ी सद्री वक़ाल लियहनिक अल-इल्म अबल मुंदिर रवाहु मुस्लिम फी किताबी फ़ज़ाइल कुरान। यह रिवायत उबैद इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इमाम मुस्लिम किताब फ़ज़ाइल कुरान में लाए। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया बतौर सवाल के ए अबू मुंदिर, ये हज़रत उबैद इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुन्नियत है, ये बताओ कि क़ुरान हकीम की आयत में से कौन सी आयत सबसे ज़्यादा अज़ीम है। तो अदबन जबकि सवाल का जवाब हज़रत उबैद इब्न काब को मालूम है, अदबन ये फरमा रहे, एहतरामन ये फरमा रहे कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल को इस सिलसिले में ज़्यादा इल्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सवाल को रिपीट फरमाया अतदरी अय्यु आयतिन मिन किताबिल्लाहि माअका आज़म, नहीं बताओ कि कुरान की आयत में से कौन सी आयत सबसे ज्यादा अज़ीम है। तो चूंकि हजरत उबैद इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस सवाल का जवाब मालूम था, जब उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरार है तो जवाब उन्होंने दिया कि अल्लाह के रसूल, मेरी निगाह में पूरे कुरान की आयत में सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा, फवरब फी सदरी, मेरे सीने पर हाथ मारा, वकाल, और कहा लियहनिकल इल्म अबल मुंजिर, ए अबू मुंजिर, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक करे। यानी तुमने बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया, सही जवाब। बात वाज़ेह होकर के सामने आई कि कुरान की तमाम आयत में सबसे आला दर्जे की और सबसे अजीम आयत अगर कोई है तो वो आयतुल कुर्सी है। इस मकाम पर एक सवाल उठता है कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत करीमा को आजम आयत होने का क्यों शरफ बख्शा है। इस सवाल को इसी मकाम पर हल कर लेते हैं। जवाब उसका ये है कि किसी भी मसलक और किसी भी दीन की बुनियाद अकीदा होता है और उनमें सबसे ज्यादा अहम चीज और सबसे ज्यादा अहम अकीदा तौहीद को गर्दाना जाता है। और आपको मालूम है कि अकीदा जितना मजबूत और मुस्तहकम होता है, दीन की और मजहब की इमारत उतनी ही ज्यादा मुस्तहकम और मजबूत होती है। अगर बुनियाद कमजोर हो जाए तो इमारत भी हमेशा मारीज़े खतर में रहेगी, कमजोरी रहेगी। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अकीदे को पहले मजबूत किया जाए। और तमाम अकायद में सबसे ज्यादा चीज जो मजबूत किए जाने के लायक है और मुस्तहकम किए जाने के लायक है वो है अकीदे तौहीद। जिन्होंने अहादीस का और कुरान हकीम का गहरा मुताला किया हुआ है उन पर यह बात मख्फी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने रसूल दुनिया में उम्म की तरफ मबूस किए हैं, तमाम अंबिया और रसूल ने सबसे पहला पैगाम और सबसे पहला सबक और सबसे फर्स्ट लेसन जो अपनी उम्मत के सामने रखा है वो यही दर्स तौहीद ही था। और आप अगर अंबिया की जिंदगियों में गौर कीजिए तो एक बात अजीब आपको सामने आपके आएगी, वो ये कि अंबिया की दावत का आगाज भी तौहीद ही था और उनकी दावते दीन का नुक्ते वसत भी तौहीद ही था और उनकी दावते दीन का नुक्ते इख्तिताम भी तौहीद ही। आप कुरान को अज अव्वल ता आखिर पढ़ते चले जाइए, आपको यही मालूम होगा कि अंबिया किराम ने सबसे पहले अकायद में अकीदे तौहीद को लोगों के दिलों में जमाने, मजबूत करने और मुस्तहकम करने में बड़ी मेहनत की है और इसके लिए सालहा साल सर्फ किए। तो जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले अकीदे को मुस्तहकम कर लिया जाए। और इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफात की तौहीद बयान फरमाई। एक है तौहीद की जात, एक है तौहीद की सिफात। तो तौहीद की जात की बहस तो सूरह इखलास के अंदर है, इसी वजह से सूरह इखलास का दर्जा तमाम सूरतों में सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। मैं उसकी फजीलत भी इसी मकाम पर बयान कर दूं ताकि दोनों सूरतों में जो रब्त है गहरा वो रब्त वाज़े हो जाए। वो रिवायत हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत इमाम मुस्लिम किताब फज़ाइल कुरान में लाए हैं। रिवायत इस तरह है, वान अबी दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अयअजिज़ु अहदुकुम अन यक़रा फ़ी लैलतिन सुलुसल कुरान क़ालू व कैफ़ यक़रा क़ाल क़ुल हुवल्लाहु अहद यक़दिरु सुलुसल कुरान। रवाहु मुस्लिम की किताबी फ़ज़ाइल कुरान। हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबे किराम को मुखातब करके, क्या तुम में से कोई इस बात से आजिज है कि हर रात तिहाई कुरान पढ़ लेवे? तो सहाबे किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी तिहाई कुरान हर रोज पढ़ ले, हर रात को पढ़ ले? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी सूरह इखलास को हर रात पढ़ ले तो ये सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। सूरह इखलास का पढ़ने वाला सुलसे कुरान का पढ़ने वाला होगा। तो सूरह इखलास कुरान की तमाम सूरतों में सबसे आला दर्जे की सूरत है, सबसे आज़म सूरत है, इस वजह से कि उसके अंदर अल्लाह की तौहीद की ज़ात को वाज़े करके बयान किया गया है। और कुरान की तमाम आयत में सबसे आला दर्जे की और सबसे अजीम आयत आयत अल-कुर्सी इस वजह से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें अपनी तौहीद की सिफात का तफसील से बयान किया है। सूरत कुरान के बराबर क्यों है? इसलिए कि उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की ज़ात पर बहस है। और आयतुल कुर्सी तमाम आयत में सबसे ज़्यादा अजीम और अफजल इस वजह से है कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की सिफात पर बड़ी तफसीली बहस पाई जाती है और बड़ी तफसील से बहस की गई है इस आयत करीमा में। इससे पहले कि हम इस सूरह करीमा की आयत करीमा की तफसील की तरफ आएँ, इसकी एक फजीलत और आपकी निगाहों के सामने ले आए तो अच्छा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान की है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि उस रिवायत को किताब ज़कात में लाए हैं और अगर मेरा हाफिज़ा गलती नहीं कर रहा है तो उस रिवायत के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बैतुल माल के चोर को जब उन्होंने 2 बार पकड़ा तो 2 बार बहाना करके वो निकल गया, लेकिन तीसरी बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उन्हें मालूम हो गया कि ये चोर हकीकत में इंसान नहीं है बल्कि शैतान है। तो शैतान ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये कहा कि अगर तुम मुझे इस बार छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूँ, बड़ी शानदार बात बताता हूँ। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो दीन के इल्म के बड़े शायद थे, उन्होंने कहा कि